नमस्कार, बिफोर प्रिंट डॉट इन में आप सभी का स्वागत है। पटना में आज से दो दिनों तक चलने वाले बीजेपी संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए हैं। पटना पहुंचने के बाद जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो में जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद है। रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल है। बता दें कि जेपी नड्डा का यह रोड शो जेपी गोलंबर पर जाकर समाप्त हो जाएगा। वहीं जेपी नड्डा के रोड शो के लिए पटना को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट से जेपी नड्डा हाई कोर्ट स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रोड शो की शुरुआत की। इस रोड शो में जेपी नड्डा के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सांसद रविशंकर प्रसाद, एमएलसी संजय मयूख समेत अन्य नेता मौजूद हैं। बता दें कि जेपी नड्डा का यह रोड शो जेपी गोलंबर पर जाकर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जेपी नड्डा ज्ञान भवन पहुंचेंगे, जहां वे संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के स्वागत के लिए पूरे पटना को पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है। पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे इलाके को झंडे और पोस्टर बैनर से ढक दिया है। कई जगहों पर स्वागत के लिए मंच भी बनाए गए हैं। वहीं बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।